हेलो फ्रेंड्स, नॉर्मल पिज़्ज़ा तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये वर्जन ऑफ़ पिज़्ज़ा ट्राई किया है? इसे रिंग पिज़्ज़ा या स्टार पिज़्ज़ा बोला जाता है और ये बनाने में काफ़ी सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 + 1/8 कप मिल्क लिया है। ये थोड़ा सा गर्म दूध है। उसमें हमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करनी है। उसके बाद 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट ऐड करना है। तो ईस्ट ऐड करने के बाद उसे एक्टिवेट करने के लिए 5 से 6 मिनट हमें इसे ऐसे ही रख देना है। 5 से 6 मिनट्स के बाद ये ईस्ट जो है इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड करना है और उसी के साथ 1 कप मैदा लिया है। तो ये मेजरमेंट जो है 1 कप मैदा के लिए है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें 1 टीस्पून बटर भी ऐड करना है नीड करने के टाइम। तो इस मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी या दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी अमाउंट ऑफ दूध में हमें अच्छे से मिला कर लेना है। इसका सॉफ्ट डो फॉर्म करना है और इसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल हम लोग ऊपर से लगाएंगे और इसको इस तरीके से टक इन करके जाना है और इसे ऐसे राउंड पेड़ा के शेप में इस आटे को फॉर्म करके इसे हम रख देंगे। कम से कम 40 से 50 मिनट्स के लिए आप इसको एक डैम्प क्लॉथ में ढक के किसी वॉर्म जगह पे रख देना। मैं यूजुअली इसको ओवन के अंदर रखती हूँ। तो अभी 40 से 50 मिनट्स के बाद ये जो आटा है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसको हम निकालेंगे हमारे बाउल से और इसे हमें अच्छे से नीड करना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। आप इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा भी यूज़ कर सकते हो नीड करने के टाइम। और ये अच्छे से सॉफ्ट नीड हो जाने के बाद इसके मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगी। तो 1 कप मैदा के आप इजीली 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना सकते हो। इसे हम रोल करेंगे। ज़्यादा पतला भी रोल नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो एक बेलन की हेल्प से मैं इसे अच्छे से रोल करके ले रही हूँ। इसको मैं एक डिश में डालूँगी। जो डिश को मैंने ऑलरेडी बटर लगा के रखा है। इसे हम एक फोक की हेल्प से प्रिक करेंगे। बेस को इसे साइड में रख दीजिएगा। स्टफिंग के लिए मैंने बस थोड़ा सा प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न्स और थोड़े बेबी कॉर्न्स बॉइल करके लिए हैं। मशरूम्स मैंने थोड़े से रोस्ट करके लिए हैं तवे पे और थोड़े से कैरेट्स भी मैंने तवे पे रोस्ट करके लिए हैं। उसके बाद ये पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी इसमें। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल स्लाइस चीज़ है बट ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं ऐड करना तो इसे आप स्किप कर सकते हो। अब इस डो को सेंटर में इस तरीके से हम कट लगाएंगे। तो ये मैंने 4 हिस्से में डिवाइड किया। उसके बाद और 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो एक फ्लावर शेप का कट हमें बिल्कुल सेंटर में लगाना है एक नाइफ की हेल्प से इस तरीके से। अब जो स्टफिंग है हम एक रिंग के शेप में इसमें फिल करेंगे। एक बात का याद रखना कि ज़्यादा भी स्टफिंग भरना नहीं है क्योंकि जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्टफिंग डालने के बाद मैं ऊपर से मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस चीज़ क्यूब्स जो आते हैं वो भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं वापस थोड़े से वेजीज ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पिज़्ज़ा में वेजीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद इसको हमें फोल्ड करना है। जो हमने सेंटर में ट्रायंगुलर पोर्शन कट किया है उसको ही उठा के हमें एज के साथ उसे स्टिक करना है इस तरीके से। ये बहुत इजीली इसके साथ फोल्ड होके स्टिक हो जाता है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा लिक्विड या वाटर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमें ट्रायंगल्स फॉर्म करे हैं सेंटर में उन सारे ट्रायंगल्स को उठा के हम इस तरीके से उसको शेप देंगे। और जो हमारा एंड पोर्शन एजेस है पॉइंट उसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से प्रेस करूँगी ताकि उसमें अच्छे से वो स्टार का शेप दिखे। तो इस तरीके से ये फोल्ड करके हो चुका है। इसके ऊपर मैं और थोड़े से वेजेस ऐड कर रही हूँ। दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं।
अगर आपको ज़्यादा वेजीज पसंद नहीं है, ज़्यादा चीज़ पसंद है, तो आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ और वेजीज का जो प्रोपोर्शन है वो ऐड कर सकते हो। अभी थोड़ा सा और चीज़ मैंने इसके ऊपर डाला है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे गार्लिक बटर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सिर्फ बटर में थोड़ा सा क्रश्ड गार्लिक ऐड किया है, और मैंने थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं। इस मिक्सचर को मैंने स्प्रेड किया इसके ऊपर। अब मैंने प्री हीट करा था ओवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें मैं 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको बेक किया है। आप एक कढ़ाई को प्री हीट करके 10 मिनट तक प्री हीट करके भी उसके अंदर इसे बेक कर सकते हो 12 से 15 मिनट तक, और आपका इजीली ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, जो काफ़ी टेस्टी भी है। और इसका आप नो चीज़ पिज़्ज़ा वर्जन भी बना सकते हो, उसका रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दिखने में भी बहुत अलग और इंटरेस्टिंग है, बच्चों को तो ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।